हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं 49,568 सिपाही भर्ती जो चल रही थी उसके मेडिकल के बारे में जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो आपका मेडिकल है कोरोना की वजह से हो नहीं पाया था, जिसका परिणाम आपका 2020 यानी कि मार्च में आपका परिणाम आ गया था। उसके बाद कोरोना हो गया, कोरोना के वजह से ये आपका मेडिकल नहीं हो पाया। लेकिन आपका अब मेडिकल होने की संभावना है, इसके एक दो हफ्ते में आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आप चाहते हो आपको सब कुछ पता चले पुलिस के बारे में, विभाग में, तो किस कब परीक्षा होगी या कब नई भर्ती निकलेंगी या कब मेडिकल होगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इसमें लिखा है पुलिस एवं पीएससी सिपाही के 49,568 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित होने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू कराने की प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण थम गई। चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट अभी नहीं शुरू हो पाया है। अगले हफ्ते इस पर कोई निर्णय होने की संभावना है। मेडिकल टेस्ट के बाद अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजना जाना है। हालांकि ट्रेनिंग सेंटर पहले से भरे हुए हैं। मेडिकल टेस्ट के बाद दिसंबर 2021 तक जगह ही नहीं है। यानी कि आपका मेडिकल होने के बाद कुछ आपको 21 तक यानी कुछ महीने आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पुनरुत्ति बोर्ड ने 2 मार्च 2020 को चयन परिणाम घोषित किया था। अक्टूबर 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 27-28 जनवरी 2019 को कराई गई थी और उसका परिणाम नवम्बर 2019 को जारी किया गया था। कुल रिक्तियों की संख्या को देखते हुए सफल पाए गए भर्तियों में से मेरिट के आधार पर 2.5 गुना ज़्यादा यानी 1,23,921 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानसिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया। नागरिक पुलिस में सिपाही के पदों में से 5,966 पदों पर महिला सिपाहियों का चयन किया गया, जबकि 18,000 सिपाही पीएससी के लिए चयनित किए गए। तो दोस्तों, इसमें ये आपके भर्ती के बारे में जानकारी दी है और आपका जो मेडिकल है उसका जो निर्णय है वो आपको अगले हफ्ते इस पर कोई निर्णय की संभावना है। यानी कि आपकी जो भर्ती है इसके अगले हफ्ते तक इस पर कोई निर्णय लेने की संभावना है कि आपका मेडिकल कब होगा। तो इसलिए दोस्तों, आपका मेडिकल जल्द होने वाला है। जो भारतीय मेडिकल का वेट कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आने वाली अपडेट की जानकारी दे सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जॉब के साथ और नई दिशा की तरफ नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।